नेशनल युद्ध तहसील के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन इस वक्त दरख्शा इम्तियाज साहिबा के साथ मौजूद है और ये एनजीओ से जुड़ी हुई और बेशुमार खिदमात हैं इनके। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस मीट है और हम इनसे बात भी करेंगे। खैर मकदम है आपका नेशनल युद्ध तहसील में मोहतरमा दरख्शा। अस्सलाम वालेकुम जी। जो आप एनजीओ के थ्रू जो काम, मैं अभी फ़िलहाल ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी बोलकर एनजीओ है जो अपना कोलकाता में ऑपरेट है बेसिकली, तो उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग एडुकेशन में सोच रहे हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, और सोशल वर्क हम से सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। ये जो आपके जो एनजीओ है वो किस तरह काम करती है और क्या? बेसिकली हम लोग ज़्यादातर रिमोट विलेज वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर काम होता है अपना, जैसे फूड्स या शेल्टर्स बिल्ड करना, बेसिकली ये काम करते हैं। और एडुकेशन में भी काम कर रहे हैं हम लोग बच्चे। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? 5 years। जी जी जी। तो ये आप इंडिविजुअल करते हैं? नो, विथ मी दे आर लाइक फ्यू मोर पीपल्स आर देयर, और कुछ लोग भी हैं इसमें जुड़े हुए। वी हैव अ टीम लाइक, सो एक टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। तो ये काम आपका कहाँ कहाँ हुआ जैसे आपने बताया क्या? जैसे अपने कैनिंग की तरफ अपने काम किया, खरदा की तरफ किया है, और अपने कलकत्ता में सिटी में भी होता है काम, और सुंदरबन में जैसे अपने अभी कोविड के टाइम में भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग किए हैं। तो फिलहाल अभी इस तरह का काम चल रहा है जी। COVID-19 में आप देखेंगे कि जो कोरोना वायरस की महामारी थी वो काफ़ी टफ सिचुएशन जी था जी। और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो ज़रूरतमंद थे, तो कैसा रहा खिदमत आप लोगों का? जी हमने तो घर से निकला है बिना कोई खौफ डर, और हमारे टीम भी साथ में निकले हैं, हम लोग सब साथ में मिलके जितना हो पाया हम सबसे, तो हमने कोशिश किया है उस तरह अच्छा से जितना लोगों तक पहुंच सके और उनको फ़ायदा उनको दे सके। हमारे किस तरह का लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन राशन किट्स वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत सुंदरबन भी हम लोग गए थे, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने राशन किट वगैरह, और यहाँ सिटी कोलकाता में भी बहुत जगह जैसे तोपसिया है, टेंगरा है, और मटिया ब्रूज, बहुत सारे एरियाज हम लोग ने कवर किए हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ तक हम लोग ने पहुँचाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि इसी दौरान कोविड के टाइम जो है अम्पन साइक्लोन जिसने जी 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 और जैसा कि आपने बताया बांग्लादेश का जो है जी 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 काफ़ी बुरा था जी जी, तो वहाँ जाने के बाद कैसा लगा लोग आपके सामने जब आए? जी जी एक्चुअली सिचुएशंस तो बहुत ख़राब थी वहाँ पर, जैसे अम्फन के टाइम में जो प्रॉब्लम हुआ है, घर वगैरह जो सब डिस्ट्रॉयड हो गया था, और खाने के लिए नहीं थे, कपड़े नहीं थे, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी वो हमने कोशिश किया उन सबको प्रोवाइड करने का। जी तालीम के ऊपर किस तरह काम करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन? फ़िलहाल तो एडुकेशन हम ऐसा कुछ अभी कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं है, बस बेसिकली ओरल या जैसे होता है उस तरह ही काम कर रहे हैं। आगे सोच के रखे हैं, प्लानिंग चल रही है कि इंशाल्लाह हम लोग कुछ इसमें बड़ा कुछ काम करें एडुकेशन के ऊपर लेकर। जी आने वाले दिनों में आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोग्राम हैं उसके बारे में बताएं? आने वाले दिन में अपने अभी न्यू ईयर्स के प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह है, राशन वगैरह किट्स वगैरह देना है, और ब्लैंकेट्स का हमारा था न्यू ईयर, जैसे अभी विंटर सीजन का था तो हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी किए हैं बहुत जगह, 5-6 लोकेलिटीज़ वगैरह हमने चूज़ किया था, रात में हमने निकला टीम के साथ पूरे, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी जिससे तो वो कोशिश की हमने उन्हें देने की। जी आप काम कर रही हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक किस तरह आप एक लेडीज़ हैं घर के भी ज़रूरत जी जी मेरी फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, बट स्टिल जो मेरे हस्बैंड जी हैं इम्तियाज़ आलम उनका नाम है, वो बहुत सपोर्टिव है हमारे पीछे, जो भी मैं आज काम कर रही हूँ या आगे बढ़कर जो भी मैं समाज का सेवा कर रही हूँ उस सब में इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो पाता, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।